तो फाइनली गाइस मैंने इंडियन बेस्ट अंक्रेडी गेम के अंदर न्यू रेलवे स्टेशन को ले लिया है। तो चलो गाइस अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि गाइस आप भी अपने गेम के अंदर न्यू रेलवे स्टेशन को कैसे ले सकते हो। लेकिन उससे पहले गाइस आप लोग ये भी देख लो कि गाइस आप लोग को गेम के शॉर्टकट में गेम के अंदर एक इंटरनेट वाला न्यू ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो गाइस आप लोग इसे गेम के अंदर कैसे यूज कर सकते हो गाइस, जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक वाले फीचर को एड किया गया है। तो चलो गाइस अब मैं आप लोग को इसका खतरनाक वाला फीचर बता देता हूँ। लेकिन गाइस जैसे मैंने अपने गेम के अंदर कुछ न्यू न्यू प्रॉप्स का चिटको डायल किया, तो गाइस मेरे गेम के अंदर न्यू न्यू स्पॉन हो गए। तो चलो गाइस अब मैं आप लोग को भी गेम के अंदर कुछ न्यू न्यू प्रॉप्स के चीट कोड बता देता हूं। एंड फाइनली गाइस मैंने आरजेएस टूल की मदद से यहां पर एक न्यू हाउस को भी क्रिएट कर लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि गाइस आप लोग भी अपने गेम के अंदर कुछ इस प्रकार के हाउस को कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। लेकिन गाइस आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही गाइस बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलो गाइस अब मैं आप लोग को सबसे पहले बता देता हूं कि गाइस आप लोग गेम के अंदर न्यू न्यू प्रॉप्स को कौन से चीट कोड की मदद से स्पॉन कर सकते हो। एंड गाइस न्यू प्रॉप्स हमारे गेम के अंदर काफी ऑसम भी लग रहे हैं। तो गाइस आप लोग को गेम के अंदर न्यू प्रॉप्स को स्पॉन करने के लिए सबसे पहले आरजेएस टूल के अंदर आ जाना। गाइस अब आप लोग को आरजेएस टूल के अंदर लिखना है P14, मतलब कि गाइस आप लोग को P14 चीट कोड को डायल करना है। एंड जैसे गाइस अब आप लोग राइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग के गेम के अंदर 14वें नंबर वाला प्रॉप्स स्पॉन हो जाएगा। चलो गाइस अब मैं आप लोग को सेकंड वाले प्रॉप्स का चीट कोड बता देता हूं। तो गाइस अब आप लोग को फिर से आरजेएस टूल के अंदर आ जाना है। एंड गाइस अब आप लोग को नेक्स्ट वाला कोड डायल करना है P15, मतलब कि गाइस आप लोग को P15 चीट कोड को डायल करना है। और गाइस सब आप लोग राइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग के गेम के अंदर P15 वाला प्रॉप्स स्पॉन हो जाएगा। और गाइस आप लोग इन सभी चीजों को अपने हिसाब से गाइस किसी भी लोकेशन के ऊपर या किसी भी जगह पे होकर अपने हिसाब से सेट भी कर सकती हो। तो चलो गाइस सब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले प्रॉप की तरफ। तो गाइस आप लोग को गेम के अंदर नेक्स्ट वाले प्रॉप को स्पॉन करने के लिए P16, मतलब कि गाइस आप लोग को P16 चीट कोड को डायल करना है। तो गाइस आप लोग के गेम के अंदर 16 नंबर वाला प्रॉप्स स्पॉन हो जाएगा। और गाइस आप लोग को गेम के अंदर P16 नंबर वाला जो प्रॉप्स देखने के लिए मिलता है, जिसका शायद काफी बड़ा है। तो गाइस आप लोग इस वाले प्रॉप्स को भी किसी भी जगह पर अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो। एंड गाइस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले प्रॉप की तरफ। तो गाइस अब आप लोग को आरजेएस टूल के अंदर कोड को डायल करना है P17, मतलब कि गाइस आप लोग को P17 चीट कोड को डायल करना है। तो गाइस आप लोग के गेम के अंदर एक और प्रॉप्स स्पॉन हो जाएगा। एंड गाइस P17 वाले प्रॉप्स का साइज भी काफी बड़ा है। तो गाइस आप लोग को गेम के सर्वर में गेम के अंदर ये 4 ही न्यू प्रॉप्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड गाइस अब मैं आप लोग को न्यू अपडेट के अंदर आने वाले न्यू चीट कोड भी बता देता हूं। तो गाइस आप लोग जैसे अपने गेम के अंदर 8370 चीट कोड को डायल करोगे तो गाइस आप लोग के गेम के अंदर अपना ऑटो रिक्शा स्पॉन हो जाएगा। गाइस सब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीट कोड की तरफ। तो जैसे गाइस आप लोग 2020 चीट कोड को डायल करोगे, अब गाइस आप लोग के गेम के अंदर अपना न्यू इंडोर कार स्पॉन हो जाएगा। गाइस आप लोग न्यू इंडोर कार का कोई सा भी कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो चलो गाइस अब मैं आप लोग को इस पार्टी का चीट कोड बता देता हूं। तो जैसे गाइस आप लोग 55499 चीट कोड को डायल करते हो तो गाइस आपके गेम के अंदर इस पार्टी स्पॉन हो जाएगा। जितनी बार आप लोग गेम के अंदर इस पार्टी का चीट कोड डायल करोगे गाइस, उतनी बार आपके गेम के अंदर इस पार्टी स्पॉन होंगे। तो चलो गाइस अब मैं आप लोग को गेम के अंदर कुछ न्यू न्यू कंटेनर के चीट कोड बता देता हूं। तो जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर C6 चीट कोड को डायल करते हो एंड गाइस आप लोग के गेम के अंदर 6 नंबर वाला कंटेनर स्पॉन हो जाएगा। गाइस ये वाले कंटेनर गाइस मूविंग भी करते हैं। और हां गाइस आप लोग इन सभी कंटेनरों को भी गाइस अपने हिसाब से किसी भी जगह पे कर सेट कर सकते हो। तो चलो गाइस अब मैं आप लोग को नेक्स्ट कंटेनर का चीट कोड बता देता हूं। तो जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर C7 चीट कोड को डायल करोगे तो गाइस आप लोग के गेम के अंदर 7 नंबर वाला कंटेनर स्पॉन हो जाएगा। गाइस ये वाला कंटेनर भी गाइस गेम के अंदर मूविंग करता है। गाइस गेम के सर्वर में गेम के अंदर इन दोनों न्यू कंटेनरों को ओवरराइड किया गया था। फाइनली गाइस जैसे आप लोग अपने गेम के अंदर फोन को ओपन करते हो गाइस, नेटवर्क वाले ऐप के ऊपर क्लिक करते हो तो गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का ये ऐप खुलकर आ जाता है। एंड चलो गाइस अब मैं आप लोग को इस ऐप का खतरनाक वाला फीचर बता देता हूं। जैसा कि गाइस आप लोगों को इस ऐप के अंदर लिखा हुआ मिलता है आरजेएस मोड फाइल, एंड इसका मतलब है कि गाइस आप लोग किसी भी आरजेएस मोड की फाइल को गाइस आप लोग इसके अंदर लाकर पेस्ट करोगे तो गाइस वो वाली फाइल आपके गेम के अंदर यहाँ से डायरेक्ट एड हो जाएगी। अरे गाइस मेरे कहने का मतलब गाइस मैंने आरजेएस टूल की मदद से अपने गेम की सिटी के अंदर कोई न्यू चीज को क्रिएट किया है। एंड फिर गाइस मैं आप लोगों को उस डाटा का लिंक देता हूं। गाइस आप लोग उस वाले लिंक को लाकर यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर देते हो। गाइस जो मैंने अपने गेम की सिटी के अंदर जो चीज क्रिएट की थी ना गाइस, वो चीज आपके गेम की सिटी के अंदर ऑटोमेटिक स्पॉन हो जाएगी। गाइस आप लोग इस वाले ऐप के अंदर किसी भी डाटा वगैरह को पेस्ट करते हो तो गाइस आप लोग अपना इंटरनेट ऑन रखना, अभी गाइस आप लोगों के गेम के अंदर ये वाला प्रोसेस वर्क करेगा। तो चलो गाइस अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि गाइस आप भी अपने गेम के अंदर इस वाले न्यू हाउस को कैसे क्रिएट कर सकते हो। गाइस आप लोगों को ये वाला न्यू हाउस कहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला, सबसे पहले गाइस मैं आप लोग को इसकी लोकेशन बता देता हूँ। गाइस अब आप सभी को ध्यान से देखना कि गाइस जो मैंने आरजेएस टूल की मदद से वहां पर एक न्यू हाउस को क्रिएट किया था उसकी लोकेशन क्या, और आप लोग अपने गेम के अंदर उस वाली जगह पर कैसे जा सकते हो। तो सबसे पहले गाइस आप लोग को जेट पैक को ले लेना है। गाइस अब आप लोग को जेट पैक को फ्लाइंग करते हुए गाइस आप लोग को कंटेनर वाले एरिया की तरफ आ जाना है। तो चलो गाइस मैं फटाफट से कंटेनर वाले एरिया की तरफ चलता हूँ। गाइस आप लोग को कंटेनर वाले एरिया की तरफ ही जो गाइस मैंने अपने गेम के अंदर हाउस को बनाया है एंड वो गाइस आप लोगों को कंटेनर वाले एरिया की तरफ ही देखने के लिए मिलता है। जैसे गाइस आप लोग बस यहाँ से हल्का सा आगे चलोगे तो गाइस आप लोगों को सामने की तरफ भी अपना न्यू हाउस देखने के लिए मिल जाएगा। गाइस आप लोग यहाँ पर देख भी सकते
सकते हो कि गाय समय हल्का हल्का साफ अपना न्यू हाउस दिखाई दे रहा है। तो गाय आप लोग भी कुछ इस प्रकार से इस वाली लोकेशन के पर आ सकते हो, जो कि गाय मैंने आप सभी को बता दिया है। एंड चलो गाय सब बात कर लेते कि गाय आप भी अपने गेम की सिटी के अंदर गाय इस वाले न्यू हाउस को कैसे ले सकते हो। तो गाय मैं आप लोगों को इस वाले न्यू हाउस का डाटा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। गाय आप लोग इस वाले डाटा को वहां से डाउनलोड कर लेना। गाय आप लोग गेम के अंदर इस वाले न्यू रेलवे स्टेशन को भी लेना चाहते हो, गाय मैंने इन दोनों डाटा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया। गाय वहां से आप लोग इस वाले डाटा को डाउनलोड कर लो। तो गाय आप लोगों के गेम के अंदर भी गाय ये दोनों चीजें आ जाएंगी। एंड फाइनली गाय आप सभी को आज का वीडियो पसंद ना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।